जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब, आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, कल विटामिन पार्ट वन पढ़े थे जनरल साइंस में, आज हम लोग विटामिन में ही पार्ट टू पढ़ेंगे। विटामिन से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन का परिवार, विटामिन B1 का परिवार। जितने भी विटामिन है उसका कोई परिवार नहीं है, मगर विटामिन B1 जो है उसका वही एक है जो जिसका परिवार है, उसका नंबर एक। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नंबर दो, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। तीन नंबर में विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, जिसे हम उपनाम से जानते हैं, एक और नाम है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद B5 का नाम क्या होता है, तो विटामिन B5 का नाम पेंटोथिनिक अम्ल, पेंटोथिनिक अम्ल होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन होता है। अब हम लोग जानेंगे विटामिन B12, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब देखिए, याद करने का दम आसान तरीका, विटामिन B1 का नाम, बी परिवार का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथिनिक अम्ल, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा, हम देंगे लास्ट में स्क्रीनशॉट करने का समय, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसलिए कि क्लास में ही ऐसा पढ़ाई हो कि क्लास में ही याद हो जाए, बाद में पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ऐसे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे किसका क्या काम है। चलिए, नंबर एक जो होता है विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो विटामिन ए की खोज मैकुलम ने किया था, मैकुलम ने किया था। अब हम लोग जानेंगे कि इसका उपनाम है विटामिन ए का, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, खास करके कि विटामिन ए का उपनाम क्या होता है, तो इसे हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा विटामिन, प्रति
प्रतिरक्षा रक्षा विटामिन विटामिन कहते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे जानेंगे कि जो होता है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछता है कि इसे हम बीटा कैरोटीन के नाम से जानते हैं। क्या बीटा कैरोटीन पूछेगा कि बीटा कैरोटीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रो विटामिन ए को जाना जाता है, प्रो विटामिन ए को जाना जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है। तब विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया रोग होता है। और ये किसको प्रभावित करता है, जीरोथैलेमिया रोग जो है यह आंख को प्रभावित करता है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन, सियाचिन जो युद्ध स्थल है उस पर जितने भी सैनिक होते हैं उन्हीं लोगों को होता है जो चश्मा नहीं लगाते हैं उसके नस के कोर्निया जो है वो सूख जाती है ना, वो आंख जीरोथैलेमिया जो आंख को प्रभावित करती है, ये जो है नस के कोर्निया सूख जाती है, अस्थाई अस्थाई इसमें आंख की बीमारी हो जाती है। चलिए आगे जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से एक और रोग होता है, कि कमी से रोग होता है केरेटो मलेशिया, कि रेटो मलेशिया, यह जो है केरेटो मलेशिया यह त्वचा को प्रभावित करता है। केरेटो मलेशिया जो है यह किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है केरेटो मलेशिया। अब हम लोग आगे जानेंगे कि केरेटो मलेशिया किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। इतना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसा याद करना है कि हम लोगों का क्लास में ही याद हो जाए, फिर बाद में हम लोगों को याद करना ना पड़े। इतना मेहनत करना है दोस्तों इसलिए कि फिजिकल में हम लोग इतना मेहनत किए हैं, किए थे लोग, जितना लोग बच्चा है लोग, नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा जी। जो मयूर से गिरा हुआ है उन बच्चों से पूछिए जो नए होंगे, या जो पुराना होंगे वो खुद जानते ही होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में, हम लोग विटामिन डी से पढ़ेंगे। विटामिन डी हम लोग आगे पढ़े थे क्लास में फर्स्ट में कि किसमें विटामिन डी जल में विलय है कि वसा में विलय है। तो विटामिन डी जो है वो किसमें विलय है, तो विटामिन डी जो है वसा में विलय है।
तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं आगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है उपनाम। उपनाम आप लोग याद रखिएगा, विटामिन डी का उपनाम होता है सनशाइन विटामिन, एक और होता है हार्मोन विटामिन। सनशाइन विटामिन और हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। आई विटामिन डी पाया कहां से जाता है, तो दो चीज से पाया जाता है, सूर्य और दूध से विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य और दूध से विटामिन डी पाया जाता है। अब जानेंगे हम लोग इसके कमी से रोग, विटामिन डी के कमी से रोग होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। किसमें? बच्चों में होता है। वृद्धों में होता है, कौन सा रोग होता है वृद्धों में, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। वृद्धों में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब ये जो है हड्डी, ये क्या करता है विटामिन डी, ये हड्डी को प्रभावित करता है, छिद्र कर देता है। और विटामिन जो है हड्डियों में भी पाया जाता है। ये ऐसा विटामिन है जो कि हड्डी में पाया जाता है। विटामिन डी ये हड्डी में पाया जाता है। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम पाया जाता है विटामिन डी में। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ये डी से बनी होती है। विटामिन डी कहाँ बनती है? त्वचा के नीचे विटामिन डी जो बनती है त्वचा के नीचे बनती है। अब देखिए हम लोग, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। इसे हम उपनाम क्या है, सनशाइन विटामिन, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। सूर्य और दूध से प्राप्त होता है विटामिन डी। कमी से रोग होता है रिकेट्स बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस, देखने को कहीं कहीं मिलता है। ये रोग होता है वृद्धों में जो कि हड्डियों को छिद्र करता है, हड्डियों को प्रभावित करता है। विटामिन डी जो होता है हड्डियों में पाया जाता है। अब विटामिन डी में कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि त्वचा के नीचे बनता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतने ही। कल हम लोग विटामिन पार्ट 3 लेकर आएंगे। और जो भी मेरे दोस्त वीडियो को देख लिए या देख रहे हैं, इसे देखे और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी करें, इसलिए कि अब की बार लेना है, अब की बार नहीं छोड़ना इंडियन आर्मी। जय हिंद दोस्तों।